हम अभी डिस्ट्रिक्ट में एज पर नीड बेस एज पर द पॉपुलेशन इज कंसर्न हम लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में असल एक तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक होना है और ब्लॉक में और जहाँ सी ओ सर्कल में वहाँ पी एस सी का जरूर है तो कौन एरिया में सब जगह में हम लोग पी एस सी देने का जरूरत नहीं सब जगह में हम सी एस सी देने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी स्टडी करके मैं ये सबको बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वहाँ में हाँ दूर दराज जरूर है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कमियाँ है तो उसमें एक सब सेंटर होने के लिए भी उसमें पॉपुलेशन क्राइटेरिया होता है पी एस सी का भी होता है तो हम लोग आई पी एस का नॉर्म का मुताबिक हमारा हॉस्पिटल को चलाने के लिए तो वो नहीं हो पाता है इसी कारण से हमारा होल डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक टू और पी सी होने से एज पर फिजिबिलिटी जहाँ से हम लोग कैचमेंट एरिया में को देख के जहाँ से हम लोग पब्लिक को अच्छा से अच्छा पब्लिक मतलब सर्विस डिलीवर कर पाएगा उस जगह में कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग फुल प्लेजर मेन पावर उसमें पोस्टिंग करना है और जो भी फैसिलिटी वहाँ में मिल रहा है वही हमारा अभी मेरा थिंकिंग है डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका कंसर्न एम एल एस इनुक मिल के मैं इनुक से राय ले लेगा कहाँ में आपका फिजिबिलिटी होगा इवन अभी हमारे यहाँ अरुणाचल में ऐसा एक जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी ज़रूरत नहीं है इंटरमीडिएट हॉस्पिटल बनने से भी हो जाएगा एक तो कम्युनिटी हॉस्पिटल बनने से हो जाएगा हेल्थ सेंटर होने से भी हो जाएगा उसमें पुल पे लेजेट हम लोग दे सकते हैं रिपोर्ट दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने से बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट में होने से एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना है बोल के सब सोच रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देने का भी ज़रूरत नहीं है एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होके उसमें बजट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना ह्यूमन जो रिसोर्स चाहिए कितना फैसिलिटी मिलना चाहिए वो सब होने से हम लोग का सफिशियंट है अभी का जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी भी नहीं होता है तो इसलिए हम लोग ऐसे आप जो बोलें प्रोग्राम ले रहे हैं मतलब अभी हमारा स्टेट का हेल्थ को स्ट्रेंथन और अपग्रेडेड करने के लिए और अच्छा सर्विस डिलीवरी करने के लिए हम अभी सारा डिस्ट्रिक्ट को विजिट करना चाहूँगा और वहाँ का लोकल एम एल एस और वहाँ का जो एन जी ओस और वहाँ का स्टूडेंट यूनियंस और वहाँ का जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं इन लोग से बात करके कौन हॉस्पिटल को रखने से देखा है कौन सब सेंटर को मतलब एबेंडन को नहीं वो सब भी हम अभी मतलब प्रपोजल ले रहे हैं का जो आज स्टूडेंट यूनियन ने यहाँ का जो पब्लिक ने हमको जो मेमोरेंडम दिया है उसका जो जरूरी है उसको हम लोग जब भी ये पेंडेमिक निकल जाएगा हम लोग खल जाएगा उसमें हम जो जेन्यून है उसको हम देख लेगा और ये पेंडेमिक हमेशा होने से भी जहाँ जहाँ जरूरी है उसको तो हम लोग जाके मैं वहाँ में अपना डिपार्टमेंट का वाला पा ठीक से देख लेगा हम ऑल डिस्ट्रिक्ट को जो 25 डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए सबके लिए एडवांस जो लाइफ सेविंग का और बेसिक लाइफ सेविंग का तो हम लोग प्रिपेयर किया है अभी इन का तो एडवांस दिया होगा दो तो एम्बुलेंस मिल जाएगा यहाँ का तो हाँ उसको भी ये भी इसलिए मैं पहले भी बोला है मैं जो फील्ड वर्किंग करता है फील्ड ऑफिसर्स में ग्राउंड लेवल में जो काम कर रहे उस ऑफिसर से उस ये लोग से वर्कर्स लोग से हम बात करना चाहते हैं इसी कारण से ये सब जानना है बोल के तो अभी इन लोग का कहना है अभी हमारा अरुणाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी में एटलीस्ट प्री प्राइमरी का जो ट्यूशन होता है उसको होना पड़ता है क्योंकि अभी अदर स्कूल में जाने से वो डायरेक्ट क्लास वन में एडमिशन हो जाएगा तो वह हमें वो पढ़ नहीं पाएगा तो इसलिए अभी इन लोग का जो सजेशन है आंगनवाड़ी सेंटर में मैथ्स बैठने का हो और जो लिखने का सिलेट हो पेंसिल हो वो भी ज़रूरी होगा बोले तो उसके लिए भी मैं जाके अपना डायरेक्टर से सेक्रेटरी से और इवन अपना कैबिनेट से कोलिग से बात करेगा माई नेम इज डॉक्टर तोपुतो आई एम प्रेजेंटली सर्विंग एज एन डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर पाकिस्तान सिंह डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ये इंटर डिपार्टमेंटल मीट था ये हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर अलोली बंग जी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर और ये ट्राइबल अफेयर्स एस जी टी ए डब्ल्यू सी डी तो बेसिकली ऑन कॉन्टेक्स इन कॉन्टेक्स ऑफ हेल्थ हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ स्टेटस बताया है सर को तो वी आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर दैट इज डॉक्टर्स और बहुत सारे ऐसे इश्यूज है मतलब वहाँ पे पेरीफेरी एरियाज में
वो नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो पके सिंह इस प्रेजेंटली फेसिंग वेरी एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मैन पावर. हमारे पास ओनली 5 डॉक्टर्स है, दे आर कवरिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. और पूरे डिस्ट्रिक्ट में वी गॉट 2 CHCs और 3 PHCs एट प्रेजेंटली. तो देयर इज मैन पावर का एक्यूट शॉर्टेज है. तो विद दैट, बिसाइड्स दैट, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज है उसको हमने प्लेस किया ये सर के सामने. तो सर हैज़ टेकन द हॉनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड इन प्रेजेंट ऑफ OSD हेल्थ हैज़ टेकन द नोट ले लिया है. आई थिंक वी आर एंटीसिपेटिंग ए वेरी पॉजिटिव आउटकम. कितने स्पेशलिस्ट और GDMO का कमी है? वी डोंट हैव एनी स्पेशलिस्ट 8%. GDMO हमारे पास ओनली 5 GDMO 8% वर्किंग है. उसमें 2 LO है एंड 2 आयुष एंड 1 डेंटल, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रेक्चुअल है में है. तो दिस 5 GDMO सर कवरिंग द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. और एक्चुअली हमारे पास PHCs तो पड़ा हुआ है बट देयर इज नो मैन पावर. CHCs का भी ऐसे हालत है, वन मैन वो कर रहा है, मतलब मैनेज कर रहा है CHC को. आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिटी और द पीपल ऑफ द पाके केशन डिस्ट्रिक्ट submitted a memorandum regarding 3 points. My 3 points is that, number one, immediate establishment of district hospital. So on behalf of students community, on behalf of people of the Pake Keshan district, hamara district bilkul naya hai. Aur district hospital ke liye humne लैंड को एयरमार्क भी कर लिया विद एडमिनिस्ट्रेशन, बिल वेरिफिकेशन हो गया और एवरी थिंग्स जो फिजिबिलिटीज़ को लेकर वो सर्वे किया है. देन यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट अप्रिशिएटेड है, जगह काफ़ी अच्छा है. हम लोग जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं. नंबर टू, इमीडिएट एलोकेशन ऑफ जीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, टू नोस एंड एलोपैथिक डॉक्टर्स 3 नोस. तो अभी देखा जाने से हमारा डॉक्टर्स का काफ़ी कमी है पाके केशन डिस्ट्रिक्ट में. जैसे पाके केशन में CHC है तो एक ही एलोपैथिक डॉक्टर है, सीजूसा CH है एक ही है, PHC रीलो, PHC बीयू, PHC अपर बालिसो, बिल्कुल डॉक्टर्स नहीं है एलोपैथिक का. तो अभी इमीडिएट हमको 5 एलोपैथिक डॉक्टर का रिक्वायरमेंट है. तो ये नंबर 2 का हमारा आज का मेमोरेंडम है. देन नंबर 3 में मैं ये सबमिट किया है, इमीडिएट सेंसनिंग ऑफ 3 नोस ऑफ एम्बुलेंस. एम्बुलेंस का बहुत ज़रूरी है हमारा एरिया में और ख़ास करके हमारा सीजूसा एंड डिसिंग पासो. वो जगह जो ऐसा है कि अभी तक रोड कनेक्टेड टू है लेकिन जो रेनी सीजन में ज़्यादा तकलीफ होता है और आप सबको पता है अरुणाचल प्रदेश में रेनी सीजन में ज़्यादा बीमारियां होता है. तो इसका एम्बुलेंस नहीं होने का वजह से हमारा पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम देता है, ना ईटानगर पहुँच पाता है ना फिर वहाँ विश्नाचराली या तेजपुर गुवाहाटी. तो रास्ता बिल्कुल ख़राब है, ऊपर से हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज स्पेशली जो एम्बुलेंस है वो नहीं है. तो इसलिए अभी हमको बीयू PHC इन द सेंस पापू वैली और रिकवर करता है, पासा रीलो PHC वो जो पासा वैली को रिकवर करता है, देन अपर बालिसो PHC वो ओल्ड डिसिंग पासो सर्कल को कवर करता है. तो हमको 3 नोस एम्बुलेंस इमीडिएट रिक्वायरमेंट है. तो हमने होनरेबल मिनिस्टर साहब को ये 3 पॉइंट्स आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियंस की तरफ से मेमोरेंडम सबमिट किया है. साथ साथ में मेडिकल का इक्विपमेंट्स तो काफ़ी शॉर्टेज है, जैसे कि अभी कोरोना का समय है तो कोरोना का जो भी रिक्वायरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब नहीं है और कई कई जगह में जो लकुना तो है. तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है वो काफ़ी हमारा CHC पाके केशन को भी विजिट किया है तो वो देख के समझा होगा और मैं ये आशा रखता हूँ हमारा जो मांग को वो पूरी तरह कोशिश करेंगे. इसलिए आपको भी शायद लगा होगा कि इतना सारा डिमांड कैसे है, लेकिन एक नया डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ में क्या होता है, हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी पड़ता है. बाकी डिस्ट्रिक्ट जो सेटल हो चुका है उन लोगों के प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ आपको मालूम है कि लास्ट ईयर हमारा डिस्ट्रिक्ट बना तो साथ साथ में इसलिए डिस्ट्रिक्ट होता है तो फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जाना चाहिए. तो अभी जो उन्होंने ड्यूमेंसेस आपको रखा है वो पूरा का पूरा सर आप नई सर्विस से भी जितना जितना जरूरी है मेरे तरफ से डॉक्टर
फोर्स का डिमांड हर एक जगह में है, आपको मालूम है। तो डॉक्टर का भी यहाँ कमियाँ हैं, तो सीएचसी का जो बात किया उन्होंने जो 242 है ना आपका ताज़ा हाँ पाता वे होगा, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। यह अनऑफिशियल ऑफिशियल विजिट का टाइप का हुआ है आज का ये, लेकिन मैं ऑफिशियली आपको सिरसा में भी एक बार लेके जाऊंगा और मैं बाकी के समय भी दोबारा लेके आऊंगा। मैं आपको समय ज़्यादा नहीं होती, आप भी अपना ऑफिशियल के साथ में थोड़ा इंटरेक्ट करना चाहेंगे होंगे। तो मेडिकल के जहाँ तक आपने अभी देखा है, थोड़ा हमारा यहाँ ऑफिसर ने दिखाया आपको किस तरह से तकलीफ कंडीशन में है, वो अभी थोड़ा रेनोवेशन के लिए अगर आप कुछ करें तो ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मेरी डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग का हॉस्पिटल है, वो जिस तरह से हम लोगों ने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा टाउन से थोड़ा दूर में हम हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ का जो एक हाइजीनिक सिस्टम है, मेडिकल और स्कूल और फिर अपना टाउन सामने रहने से वो ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको शायद मेरा कल से डी सी साहब ने प्रपोजल भी भेजा है, हम लोगों ने उसको वर्कआउट किया है, तो उसको देखते हुए आप इस साल तो शायद अभी ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर शायद आप होपफुली हम लोग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एक तोहफा देगा, और हम आशा करते हैं।